नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स, मैं हूं सृष्टि। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद के संकेसा में चल रहे दो दिवसीय बौद्ध महोत्सव में बुधवार सुबह हुए बवाल पर पुलिस और प्रशासन के अफसरों को जवाब देते नहीं बन रहा है। कार्यक्रम के लिए आसपास जिले के करीब 30,000 से अधिक लोग संकेसा पहुंच गए। आपको बता दें कि ये बवाल ध्वज फहराने को लेकर हुआ था। धम्म यात्रा लेकर निकले बौद्ध अनुयायियों ने परिक्रमा के बाद स्तूप के ऊपर पंचशील ध्वज फहरा दिया तो सनातन धर्मी ग्रामीण विरोध में आ गए। पहले दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, फिर पथराव शुरू हो गए। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। पथराव व मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बौद्ध भिक्षु पंचशील ध्वज लेकर स्तूप पर चढ़ गए और मां विसारी देवी मंदिर पर फहरा दिया। पंचशील ध्वज फहराने के दूसरी ओर खड़े सनातन धर्मी ने विरोध किया। इससे तानातानी बढ़ गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ ईंट पथराव चलने लगे। विधायक और बौद्ध भिक्षु जान बचाकर भाग निकले। पुलिस कम संख्या में थी, ऐसे में बवाल बढ़ता गया। मारपीट भी हुई जिसमें किसी का सिर फूटा तो किसी का पैर टूट गया। करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर मारपीट और पथराव होते रहे। सुबह 10 बजे के बाद सीओ कायमगंज कोतवाल मोहम्मदाबाद पुलिस बल के साथ पहुंचे। आसपास थानों से फोर्स बड़ी संख्या में भेजा गया, तब जाकर बवाल रुका। एक जगह लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किए। अब पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। बवाल के बाद सुबह 11 बजे के करीब एसपी अशोक कुमार मीणा संकेसा पहुंचे। उन्होंने बवाल करने वालों की वीडियोग्राफी कराई और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को दौड़ाया। अब पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। संकेसा में बवाल को देखते हुए पड़ोसी जिला मैनपुर से पुलिस बल बुला लिया गया है। दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर यहां उपद्रव करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं फरुखाबाद के जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने भी पहुंचकर यहां जानकारी की। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें जनसंदेश टाइम्स के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।